Praise God. Nice to see you all in the house of the Lord. और आप सबको परमेश्वर के भवन में देख करके मैं आनंदित हूँ. And God is a good God. और परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. How many of you know that God is a good God? और आप में से कौन कौन इस बात को जानता है कि परमेश्वर भला है? Hallelujah. You know, we say God is good God. That you don't have to say that all the time because God is good. और हम लोग कहते हैं परमेश्वर भला है, लेकिन इस बात को हमें बार बार या हर समय कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम चाहे कहें या ना कहें वो हर क्षण हर पल भला है. But there is one thing that you must realize, God in heaven also is looking on all of us. और लेकिन एक और ऐसी बात है जिसे हम सबका अपना ध्यान उस ओर लगाना है कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो अपने ध्यान को हमारी ओर लगाए हुए है. And when he looks upon us, और जब वो हमें देखता है, will he be able to say this, 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 these are all very good to me. और क्या जब वो हमारी ओर देखता है तो क्या वो ये गवाही दे सकता है कि ये सब मेरे लिए बहुत प्रिय हैं? Do you realize that? क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? Will he be able to say about me that Papi Mathai is good? क्या वो मेरे बारे में ऐसी गवाही दे पाएगा परमेश्वर कि पापी मथाई भला है? And he is always good. और वो हर पल भला है. That is what we say about God. और इस बात को तो हम परमेश्वर के लिए कहते हैं. But how about God? Will he be able to say, looking at you, so and so is good to me? लेकिन क्या इस बारे में क्या कहें कि परमेश्वर क्या ये गवाही हमारे लिए दे सकता है कि ये व्यक्ति या ये स्त्री मेरे लिए प्रिय है? That it doesn't matter what people say about you or about me. और ये मायने नहीं रखता कि लोग आपके और मेरे बारे में क्या कहें. But it matters much what God says about you. लेकिन ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है. And we are living the very last moments of the last day. और हम तो अंत के दिनों के कुछ अंत पलों में जी रहे हैं. And the time is very short. और ये समय बहुत छोटा है. Jesus is coming. और वो यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है. There is no doubt about it because the more and more I read and I watch and I see what is happening in the world and in all the nations as well, I am convinced that is a promise that I will return is about to be fulfilled. और इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि उसका दूसरा आगमन बहुत जल्द है, क्योंकि जितना मैं हर दिन पढ़ता हूँ, चीजों को होते हुए देखता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि ये सारी बातें जैसी उसने कही हैं अपने वचन में, वो अंत के दिनों के बारे में वैसी ही हो रही हैं. And so my purpose is to teach you. इसलिए मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सिखाऊं. But I must also be careful that I don't teach you things that I don't practice. लेकिन मुझे इस बारे में बहुत सावधानी बरतनी है कि मैं आपको वो बातें ना सिखाऊं जो मैं खुद नहीं करता. The Bible gives a very serious warning to teachers. और जो शिक्षक हैं उनके प्रति वचन जो है एक बड़ी चेतावनी को देता है. दे विल बी सब्जेक्ट टू डबल पनिशमेंट इफ दे डू दे टीच थिंग्स विच आर नॉट इन हिज वर्ड. और वे शिक्षक तो दोहरी दंड को सहेंगे यदि वो ऐसा कुछ सिखाएंगे जो वचन में नहीं है. Now this morning, I like to convey to you something very important. और आज की सुबह मैं आपसे कुछ ऐसी बातों को बताना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. There are many things Jesus spoke and taught people. और ऐसी कई सारी बातें हैं जो यीशु ने कही और लोगों को सिखाई. And he used stories and also parables. And he takes things that we go through in our day-to-day life. और उसने कई बार जो लोगों को सिखाया वो कहानियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों के द्वारा जिसे हम सब हर दिन हो करके निकलते हैं. For a very casual reader of the Bible, और वे जो वचन को बहुत हल्की रीति से पढ़ते हैं, they may not understand many things when Jesus
taught about Jesus taught something about something through some parables or using some stories. तो वे हो सकता है उन कहानियों को और उन दृष्टांतों को ना समझ पाए जो यीशु ने अपने चेलों को सिखाए. What his intention is to teach you spiritual truth by using man's everyday life experiences. और यीशु का तो उद्देश्य है कि वो आपको वो आत्मिक सत्यों को सिखाए उन उदाहरणों और दृष्टांतों के द्वारा जिनसे हम हर दिन होकर के निकलते हैं. Like some of these parables are very familiar to all of us. जैसे इनमें से कई सारे दृष्टांत हम सबको पता हैं. Like the man going out to the field to sow his seed. और जैसे कि हम उस दृष्टांत के बारे में जानते हैं जो बोने के लिए बीज बोने के लिए जो निकलता है. He says some seed fell on the passage on the way. और वो कहता है कि कुछ जो बीज थे वो रास्ते में गिर गए. And those seeds were taken up, carried away by birds. और उन बीजों को तो पक्षी ले गए. So the seed was not there to grow and to produce any fruit. और इसलिए वो बीज वहाँ पर नहीं था कि वहाँ रहे मिट्टी के अंदर और फल को लेकर के आए. And the meaning of that is. और इसका मतलब ये है. When some people hear the gospel. जब कुछ लोग वचन या सुसमाचार को सुनते हैं. It is just like seed falling on the wayside. वे इसी समान है कि एक बीज जो रास्ते पर गिर गया. They hear and go out and never think anything about it. वो तो सुनते हैं और निकल जाते हैं भवन से बाहर लेकिन कभी भी उसके बारे में सोचते नहीं. And so they don't allow that word to work in their life. और इसलिए वो ये होने नहीं देते कि वचन उनके जीवनों में कार्य को करे. And the devil removes any thought of considering what he heard. और शैतान भी वचन के प्रति किसी भी विचार को उनके दिमाग से दूर कर देता है. Then some seed fell on the rock. और उनमें से कुछ बीज जो है वो पत्थरों के ऊपर गिरे. And that is when a person hear the gospel message. और वो तो उस समान है कि किसी व्यक्ति ने प्रभु सुसमाचार को सुना. Suddenly he receives. और अचानक से तो उसने उसको ग्रहण किया. Very happily. और बहुत खुशी के साथ. Because the story sounds very good. क्योंकि जो कहानी है वो सुनने में तो बहुत अच्छी है. Jesus died for us. और यीशु मेरे लिए मर गया. He loves us. और वो मुझसे प्यार करता है. If you believe, you will have eternal life. और अगर हम विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे. But that word does not remain in him and grow. लेकिन वो वचन उसके हृदय में बना नहीं रहता और ना ही बढ़ पाता है. And then he taught that to let people know that some people are like that. और उसने ये दृष्टांत इसलिए दिया ताकि वो सिखा सके कि कुछ लोग इसी समान हैं. Some seed that fell on the rock immediately started growing. कुछ वे बीज जो उस पत्थर पे गिरे उन्होंने तुरंत ही बढ़ना शुरू कर दिया. But because there is no soil for the root to go down. लेकिन जबकि वहां मिट्टी नहीं थी उस जड़ के लिए नीचे जाने के लिए. And then when sun comes up. और जब वो सूर्य निकल के आता है. The heat strikes on the rock. और जब वो गर्मी उस पत्थर के ऊपर उसे गर्म करती है. Whatever growth was there, that also got dried. जितना भी पौधा वो बड़ा होता है वो भी सूख जाता है. Because there was no depth for the seed to grow. क्योंकि वो गहराई मिट्टी के लिए नहीं थी उस बीज के लिए ताकि वो बढ़ सके. Some of us are like that. हम में से कई इस समान हैं. Our faith is not deep. Our faith is very superficial. Only suddenly the you emotional kind of response. हमारा विश्वास गहरा नहीं है लेकिन हमारा विश्वास तो एक ऊपरी सरत के समान है जो बहुत ऊपर ही बना रहता है. So then a third group of seed fell among thorns and thistles. और जो तीसरा समूह था बीजों का वो कांटों के बीच में और झाड़ियों के बीच में जाके गिरा. And that seed began to grow. और वो बीज भी गिरा और बढ़ना शुरू कर दिया. And it grew, it has depth. और उसके पास तो गहराई है. And so the root went deep. और इसलिए वो जड़ें जो हैं नीचे तक चली गईं. And it started growing. और वो उस पौधे ने बढ़ना शुरू कर दिया. And some people are like that. और कुछ लोग उसी समान हैं. Suddenly they accept and the spiritual life started growing.
उन्होंने अचानक से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उनका आत्मिक जीवन बढ़ना शुरू हो गया. But as the seed grew, और लेकिन जैसे ही वो बीज और वो पौधा बढ़ना शुरू हुआ, some other problem was there. और कुछ समस्याएं आईं. Where was it growing? वो कहां पर बढ़ रहा था? Growing among thorns and thistles and all kinds of this disturbing thing. वो पौधा तो कांटों और झाड़ियों के बीच में बढ़ रहा था. And they began to press against this growth. तो वो जो है उसके बढ़ने की ओर उसको रोकने लगे. And it was destroyed. और वो पौधे का नाश हो गया. The thorns and thistles. वो झाड़ियाँ और वो कांटे. You know what that shows? और आपको पता है ये क्या दर्शाता है? We happily received the gospel. हमने खुशी के साथ सुसमाचार को ग्रहण किया. And received Christ. और यीशु को ग्रहण किया. And we are growing also. और हम बढ़ भी रहे हैं आत्मिक रूप से. Then suddenly some problem comes. लेकिन अचानक से कुछ समस्याएं आ गई. Persecution. And problems. और समस्याएं. Maybe from the family. हो सकता है वो परिवार से कुछ समस्याएं आ गईं. Or from the society. और हो सकता है जो लोग हैं आस पड़ोस के वो कुछ बातों को कहते हैं. And when that kind of problem comes. अब जब ऐसी समस्याएं आती हैं. The growth is stopped and they go back. तब वो जो बढ़ना है वो रुक जाता है और उसका आपका नाश हो जाता है. So the word was not there. तो वो वचन आपके पास नहीं है. Whatever growth was there, it was all snatched away by these adversities of life. और जितनी भी बढ़त आपने हासिल करी, वो इन समस्याओं से पीछे हट गई. I mean, some people have some easily go because they believe everything. But then they say, see, we have two daughters, you know, they have to get married. And if people know that we have changed our religion, we won't get any boys. And so after everybody got married, then we will believe. और जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हमारे पास दो बेटियां हैं और यदि उनको ये पता चलेगा हमने दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया तो उनकी शादी नहीं होगी इसलिए जब उनकी शादी हो जाएगी तब हम विश्वास करेंगे. प्रेशर. वो जो तनाव उनके ऊपर आता है. That is a problem. वही समस्या है. So we are not able to resist that kind of pressure and trust God. और वो दबाव जो हमारे आस पड़ोस से आता है उसको हम हटा नहीं पाते और उसके बजाय कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें. That my God is a living God. कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. He is able. और वो योग्य है. He will take care. और वो सारी बातों की चिंता करता है. And he will provide. और वो देगा. And till today, और आज के दिन तक, I have never seen anyone who trusted God remaining single in the home. और आज के दिन तक मैंने तो किसी ऐसे को नहीं देखा जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो आज तक अभी तक अकेला हो अपने घर में. Why? क्यों? Because they trusted God. क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर पर भरोसा they किया. They would resist any temptation not to trust God. और उन्होंने हर एक ऐसी परीक्षा जो उनको परमेश्वर के ऊपर भरोसे से हिला सकती थी उसको दूर करा. सो आई हैव अ पैसेज टू रीड. तो आज की सुबह मेरे पास एक वचन है जो मैं पढ़ना चाहता हूं. आई एम रीडिंग फ्रॉम गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 12. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय. दिस इज समथिंग दैट आई शेयर्ड इन माय फर्स्ट सर्विस फॉर द लास्ट 4 वीक्स. और ये कुछ ऐसा संदेश है जो मैंने अपनी पहली जो अंग्रेजी की सभा होती है उसमें 4 हफ्तों से मैं इसी पर मनन कर रहा था और यही सिखा रहा था. बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू इन डिटेल द वे आई टॉट द फर्स्ट congregation. लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले सभा में इस वचन को रखा वैसे नहीं कुछ अलग रीति से आपसे बात करूंगा. I'll tell you something that will be helpful to your life. और मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए जरूरी हैं और आपकी सहायता करेंगी. Sometimes we read these passages but we don't understand very clearly what it really means. और कई बार हम इस वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि सत्य में इसका क्या मतलब है. Okay, I'm reading from verse 24. और मैं 24वें वचन से पढ़ रहा हूं. Yeah. Till 26. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 24 से लेकर के 26 वचन तक. नाउ हियर जीसस इज यूजिंग अ नेचुरल थिंग दैट हैपेंस
and the farmers know it very well. और यहाँ पर यीशु मसीह एक ऐसे उदाहरण का उपयोग कर रहे हैं जो बहुत ही स्वाभाविक है और हर किसान उसे दिनचर्या के रूप में करता है. Now, I don't think any one of us is wiser than Jesus. और मैं तो ये सोचता हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा ज्ञानी हो. Not to give serious consideration to this teaching. और इसलिए हम इस शिक्षा की ओर ध्यानपूर्वक अपने मनन को रखें. So whatever Jesus is teaching, let us give heed to his teaching and go and obey. तो इसलिए जो यीशु मसीह हमें सिखा रहा है उसे ध्यान पूर्वक सीखें और उसके अनुसार हम जिएं. You shall never be a loser. और तब हम कभी असफल नहीं होंगे अपने जीवन. You will gain much in this life as well as in the life to come. और जो अभी का जीवन है और आने वाला जीवन है उसमें आप बहुतायत से आशीषों को पाएंगे. Okay, let us listen to the word of God. और आइए हम इस वचन को सुनें. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है. जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देगा, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा. यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा. यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा. आमेन. इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड. इट्स अ नेचुरल थिंग दैट हैपेंस इन आवर लाइफ्स. और यही तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा उदाहरण है, साधारण सी बात है जो हर कोई हम में से समझ सकता है. हाउ डू वी प्रोड्यूस मोर सीड, कि कैसे हम और ज्यादा बीजों को पैदा कर सकते हैं. ओके, दैट इज अनदर. इन आवर क्रिश्चियन लाइफ व्हाट गॉड द फादर एक्सपेक्ट्स इज फॉर ईच वन ऑफ हिज चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मोर सीड. और पिता परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन में और ज्यादा फल लाएं. यू आर अ सीड, आप एक बीज हैं. आवर लाइफ आर सीड, हमारे जीवन एक बीज के समान है. दैट इज द टीचिंग हियर, और वही शिक्षा यहाँ पर वो दे रहा है. नाउ हाउ आई एज अ सिंगल सीड कैन प्रोड्यूस मोर सीड थ्रू मी, और मैं एक बीज होने के नाते कैसे अब खुद से और ज्यादा बीजों को पैदा कर सकता हूँ. आई मीन दैट इज गॉड्स प्लान फॉर अस, और यही परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन के लिए. आवर लाइव्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड, कि हमारे जीवन जो है वो बढ़ने चाहिए. And Jesus is teaching by taking and taking something very natural that we see here on earth, and then teaching us something very important. और यीशु एक ऐसे साधारण और स्वाभाविक से उदाहरण को लेता है जो इस पृथ्वी पर हर दिन होता है, और हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक सत्य बता रहा है. It's a kernel of wheat falls to the ground and dies. और वो कहता है गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर जाता है. And if it doesn't die, it remains a single. और जब तक वो दाना मरता नहीं तब तक वो एक ही बीज रहता है. That seed dies in the soil, जब वो बीज उस मिट्टी में मर जाता है, that one single seed will produce multiple number of seeds. तब वो एक बीज अपने मरने के द्वारा उस मिट्टी में कई ज्यादा बीजों को पैदा करता है. सो मल्टीप्लीकेशन हैपेंस ओनली थ्रू अ डेथ, और वो बढ़ना होगा तभी जब एक मृत्यु होगी. दैट इज द लेसन, और यही शिक्षा यीशु मसीह दे रहा है. जीसस इज सेइंग, यीशु कहता है, दैट योर लाइफ इज नॉट टू बी लिव्ड सेल्फिशली एंड फॉर योरसेल्फ. वो कहता है कि हम अपने जीवन को स्वार्थी रूप से और खुद के लिए ना जिएं. आई टॉट इन माय फॉर द फर्स्ट कॉन्ग्रीगेशन इन डिटेल. और जो पहली सभा है उसमें तो मैंने इस शिक्षा को बहुत गहरे रूप से समझाया. दिस मॉर्निंग वेरी शॉर्टली वेरी ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग very simple that you can understand. लेकिन आज की सुबह मैं आपके बीच में इस बात को और इस शिक्षा को बहुत साधारण रूप से रखना चाहता हूँ. If the seed dies in the soil, it produces many more seeds.
जब वो बीज उस मिट्टी में मर जाता है तब ही वो और ज्यादा बीजों को जन्म देता है. Someone say, किसी ने ऐसा कहा, you take an apple कि आप एक सेब को ले लें and cut it. और उसे काटें. There are seeds in the apple. उस सेब के अंदर आप उन बीजों को पाएंगे. You understand? क्या आप समझ रहे हैं? And so we can easily count how many seeds are there in one apple. तो ये तो बहुत आसान है कि हम उन बीजों को गिन सकें कि एक सेब के अंदर कितने बीज हैं. But no one can tell how many apples are there in that one seed. लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता कि एक उस बीज के द्वारा कितने सेब उस बीज में पाए जाएंगे. Are you understanding? क्या सबको समझ में आया? You as one seed, and how many apples can come out of that one seed of the apple seed? No one can know. Only when the tree begins to produce with the hundreds and thousands of apples. और वो एक बीज से कितने सेब निकल करके आएंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा तब हम देखेंगे कि 100, 200 और 1000 गुना फल उस पेड़ में होगा. Your life can be like that. और आपका जीवन भी उसी समान हो सकता है. That is what Jesus is teaching. और इसी शिक्षा को यीशु मसीह दे रहा है. Your life must multiply. And that multiplication is necessary in order to bless people all around you. कि आपका बढ़ना जरूरी है और वो बढ़ने के द्वारा दूसरे भी आशीषित हो जाएंगे. And that happens only if that one single seed falls into the ground and dies. और वो तब होगा जब वो एक बीज मिट्टी में गिर जाए और मर जाए. Only through that death can a new life springs out of that death. और सिर्फ उस एक मृत्यु के द्वारा ही वो कई नए जीवन उस मिट्टी से निकल सकते हैं. But in order for that seed to multiply, that death has to be there. और अगर ये होना है कि वो बीज बढ़ जाए और ज्यादा फलों को लाए तो उसका मरना आवश्यक है. That is what Jesus said. और इसी बात को यीशु कहता है. If it does not die, कि यदि वो बीज नहीं मरता, it remains as it was sown, a single seed. तो वो एक बीज के समान ही रहता है. But if it dies, लेकिन यदि वो मर जाता है, new life springs out of that death, तो उस मृत्यु के द्वारा एक नया जीवन मिट्टी से निकलता है. A fresh, refreshing, life. एक नया तरोताजा और नया जीवन जो उस मिट्टी से निकले. Life begins to grow. और वो जीवन बढ़ना शुरू करता है. And then it begins to produce hundreds and thousands and millions of other seeds. और तब वो शुरू करता है बढ़ना और हजारों लाखों और करोड़ों और बीज उसके जीवन से पैदा हो जाते हैं. So how do you want to live your life? तो आप किस रीति से अपने जीवन को जीना चाहते हैं? You want to live a useful life, don't you? क्या आप अपने जीवन को एक उपयोग रीति से जीना चाहते हैं? Not only to yourself and not only just people around you, immediate people, but a world itself can be fed by that kind of multiplication. लेकिन यदि जब हम सिर्फ अपने बारे या हमारे चारों ओर जो लोग हैं उनके बारे में ना सोच करके पूरे संसार के बारे में सोचे तो उन लाखों बीजों से उन सब को खिलाया जा सकता है. We as Christians, हम जो मसीह हैं, we are considered to be servants of God or followers of Christ. हमें तो सोचना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के चेले हैं. And what is God's ultimate plan for us? और परमेश्वर की क्या योजना है हमारे लिए? Our ultimate plan is that each one of us as his servant or his follower must multiply, each one must multiply and then become useful for his kingdom. परमेश्वर की तो ये योजना है कि हम में से हर एक आगे बढ़े और अपने जीवनों से फल लाए ताकि उसके द्वारा और ज्यादा फल हो सके. See, we in UP, we farm wheat and rice and all kinds of vegetables and all kinds of things we sow. और उत्तर प्रदेश में तो हम हर प्रकार की साग सब्जियों, गेहूं, चावल ऐसी सारी चीजों को देखते हैं बोते हुए. What we sow may be a small quantity. और हो सकता है जो हम बोते हैं वो बहुत कम है. But when we reap maybe
some 30-fold, 60-fold, and 100-fold. लेकिन जब हम उस कटनी को करते हैं तो हो सकता है हम 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना काटते हों। And none of us think how it is happening. लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं सोचता कि ये कैसे हो रहा है। But here is something that is a revelation for you. और यहाँ पर लेकिन एक ऐसी शिक्षा है जो हमारे लिए एक प्रकाशन है। The seed grows and multiply. कि वो बीज मरता है उस मिट्टी में और बीजों को जन्म देता है। Out of one seed. और उस एक बीज से। There are millions of seed. लाखों बीज पैदा होते हैं। But how does it happen? लेकिन ये होता कैसे है? Only through a death experience. सिर्फ और सिर्फ एक मृत्यु के अनुभव के द्वारा. That seed falls into the ground. वो बीज उस भूमि पर गिरता है. Go under the soil. और उस मिट्टी के अंदर से बढ़ना शुरू करता है. And there it experiences a death. और उसी के अंदर एक मृत्यु का अनुभव वो करता है. It is just like that grave is in a that seed is in a grave. ये तो उसी समान है कि वो बीज उस कब्र के अंदर है. And there, what happened? और उसके बाद क्या होता है? When it dies, जब वो मरता है, the outward skin, you know, the husk of the seed, it decays and it comes out. जो उसकी ऊपरी की बीज के ऊपर की जो खाल है, वो सड़ती है और उसके ऊपर से निकल जाती है. And the seed itself go through a process of decay. और वो जो बीज है वो सड़ने की प्रतिक्रिया से हो करके निकलता है. But there are certain element that works on that seed. लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो उस बीज के ऊपर ऐसी प्रतिक्रिया को शुरू करते हैं. In order for the seed to grow further. और इसका अगर उस बीज को और आगे बढ़ना है. It must be exposed to the sunshine. उसे जरूरी है कि वो सूर्य की रोशनी उसे मिले. It must be exposed to the rain. उसे वो बारिश का पानी मिले. It must be exposed to the air. और वो ऑक्सीजन या वो हवा जो उसे चाहिए बढ़ने के लिए. It must be exposed to all these elements. और ये सारे तत्व उसे चाहिए. And these elements work on that decaying seed. Out of that death happens, and then out of that death a new life begins. और ये सारे तत्व एक साथ मिलकर के उस बीज को सड़ाते हैं और उसमें से एक नया जीवन निकल आता है. Your life is like a wheat. और आपका जीवन भी उस गेहूं के दाने के समान है. That is what Jesus is teaching us. और इसी बात को यीशु हमें सिखा रहा है. As a wheat. और एक गेहूं का दाना. You must go through the same kind of process in order to be multiplied. और हमें भी एक गेहूं के दाने के समान इसी प्रतिक्रिया से होकर के निकलना होगा ताकि हम फल ला सकें और बढ़ सकें. And become useful. और ताकि दूसरों के लिए उपयोग में आ सकें. Now there are three things we can do with the seed. और ऐसी तीन चीजें हैं जो हम बीज के साथ कर सकते हैं. I am not teaching you so many other things I taught. My first congregation. और मैं आपको और ज्यादा बातें और बड़ी बड़ी शिक्षाएं नहीं दे रहा जो मैंने पहली सभा में बताया. But I just want to tell you the three things we can do for the wheat. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ with the wheat. वो तीन ऐसी बातें जो हम एक गेहूं के साथ या बीज के साथ कर सकते हैं. Listen to this. आप इसे सुने. Number one. पहला. You can store up the wheat. आप उस गेहूं को कहीं पर ले जा करके रख सकते हैं या बचा सकते हैं. Now, what does that mean? इसका मतलब क्या है? You harvest the wheat. आपने उस गेहूं की कटाई को किया. A part of the wheat is kept for sowing. और उसमें से एक हिस्सा आपने बचा लिया कि दोबारा से आप गेहूं बो सकें. Now, instead of sowing, और लेकिन उसको बोने के बजाय यू कैन स्टोर अप. आप उसे बचा सकते हैं, रख सकते हैं. Safely keep. उसको बहुत सावधानी पूर्वक एक जगह पर रख दें. That is what many Christians do with their Christian life. और इसी बात को बहुत से मसीही अपने मसीही जीवन में कर रहे हैं. Now storing up means what? जमा करने का क्या मतलब है? The shape will be there. वो जो आकार है वो उस बीज में बना रहेगा. The size will be there. वो जो उसका साइज है वो भी बना रहेगा. The color will be there. उसका जो कलर है वो भी बना रहेगा. All these outward expressions are there. वो सारे बाहरी रूप से दिखने वाले अनुभव सब उसके साथ रहेंगे. But unless that seed goes into the soil, लेकिन जब तक वो बीज उस मिट्टी में नहीं जाता, and exposed to these elements, और वो सारे तीन तत्व जो मैंने बताए उसके उसमें आते, no life will be seen. कोई भी जीवन हम उस बीज से नहीं and देख no पाएंगे. No multiplication happens. और कोई भी बढ़ना नहीं होगा. It remains as a single seed with the shape and color and size and everything is there,
but useless. वो तो एक बीज के समान ही रहेगा उस सारे आकार और रंग के साथ, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होगा. Useless for God. वो उसका उपयोग परमेश्वर के लिए कोई उपयोग नहीं. Useless for others. और दूसरों के लिए भी कोई उपयोग नहीं. It is just there. वो सिर्फ वहाँ पे जमा रखा है. You can maintain your color. आप अपने रंग को बना सकते you हैं. You can maintain your size. आप अपने आकार को भी बना करके you रख सकते हैं. You can maintain your shape. आप अपना जो डॉल है, I don't know how to your size. आकार को बना सकते हैं. Everything is there. वो सारी बातें आप बना करके रख सकते हैं. Anyone seeing you, yeah, you are a wheat. और आपको कोई भी देखेगा तो यही कहेगा, अरे हाँ आप तो गेहूं के दाने हैं. You are a Christian. और आप एक मसीही हैं. Why? क्यों? In your house there is a Bible. क्योंकि आपके घर में एक बाइबल रखा हुआ है. Though you never use it. और इस ऐसा जरूर है कि आप उसे कभी पढ़ते नहीं. But the Bible is there. लेकिन वो बाइबल रखा हुआ. And you go to church. और आप कलीसिया जाते हैं. And because you go to church, I am sure you are a Christian. और क्योंकि आप कलीसिया जाते हैं हर रविवार, तो आप जरूर मसीह होंगे. And in the church. और कलीसिया के अंदर. You sing. आप गीतों को गाते हैं. When the worship leader says, "Lift up your hands," you lift up your hands. जब आराधक कहता है कि अपने हाथों को उठाएं, तो सब हाथ उठाते हैं. And sometimes he say, "Come on, let us dance and sing." और कई बार वो कहता है कि आइए हम नाचें और फिर गाएं. So you begin to dance. और तब आप नाचना शुरू कर देते हैं. And all these expand you put offering. और उसके बाद जो है आप एक अच्छी भेंट को देते हैं. And you also say praise the Lord. और आप कहते हैं परमेश्वर का नाम स्तुति पाए. And all these things are there. और ये सारी बातें हैं. All the outward expression. वो सारी बाहरी रूप से दिखने वाले बातें हैं. But useless. लेकिन ये किसी उपयोग के नहीं. You go back. आप वापस जाते हैं. And the rest of 6 days you live like what? और जो आगे के हफ्ते के नए 6 दिन हैं, वो आप कैसे जीते हैं? In the beginning of my ministry. और मेरी सेवकाई की शुरुआत में. I met a Christian. मैं मेरी मुलाकात एक ईसाई से हुई. So asking if they were born again. और उसने एक नया जन्म पाया हुआ मसीह. He got very angry with me. और वो मुझसे बहुत क्रोधित हो गए. You Pentecostal people are all the time born again, born again. What is this guy? और वो मेरे ऊपर नाराज हो गए कि तुम जो पेंटेकोस्ट के विश्वासी हैं, हमेशा नया जन्म के ऊपर बातें करते हो, ऐसा क्यों? Then I said. तब मैंने कहा. You know there is a scripture. You believe in the Bible? और मैंने उनसे पूछा, क्या तुम वचन पर विश्वास करते हो? Yes, I have 2 Bibles. हाँ हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पास 2 Bible हैं. Then I quoted this very simple verse. और मैंने एक बहुत साधारण से वचन को उनके सामने रखा. John 3:16. कि यूहन्ना उसका 3rd chapter 16 वचन. For God so loved the world that he gave his one son. That whosoever believes in him may not perish but have everlasting life. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए. Whoever has the son has eternal life. कि जिसके पास भी वो बेटा है उसके पास अनंत जीवन है. Whoever does not have the son. और जिस किसी के पास वो बेटा नहीं. The condemnation is already upon him. वो दंड उसके ऊपर पहले से ही लगा हुआ है. What do you think of these verses? आप इस वचन के बारे में क्या सोचते हैं? He was so shocked. और वो तो बिल्कुल बहुचक्के रह गए. He said, "Where is it written in the Bible?" ये कहाँ पे लिखा है बाइबल में ये वचन? Are there verses like that? क्या ऐसा वचन भी है बाइबल में? No. He was also Christian. और वो भी एक ईसाई था. What do you do with your life? आप अपने जीवन के साथ क्या करते हैं? You can store it up. आप इसे एक जगह जमा कर सकते हैं. Keep your color and shape and everything. और आपका रंग और आपका आकार बना करके रख सकते हैं. But are you producing seed for the kingdom? लेकिन क्या आप और दूसरे बीजों को जन्म दे रहे हैं या फल ला रहे हैं? What are you doing for God? आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? Even a single soul, have you ever been able to win for Jesus? क्या आपने एक भी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के लिए बचाया? If not, अगर नहीं, you are remaining as a single seed. तो इसका मतलब यह है कि आप उस एक गेहूं के दाने के समान ही रहना Jesus चाहते हैं. teaching is don't remain like that. लेकिन यीशु तो इसके विपरीत ये सिखाता है कि ऐसे मत रहो. Produce.
तुम फल लाओ. Let your life become fruitful. होने दे तुम्हारा जीवन फलदायी हो जाए. For the kingdom of God. ताकि परमेश्वर का राज्य उसके द्वारा बढ़े. Don't neglect the matters of God. और परमेश्वर की जो योजनाएं और विचार हैं उनके विरोध ना करो. And the second thing you can do with the seed is. और जो दूसरी बात आप एक बीज के साथ कर सकते हैं. You can grind it and eat it up. आप उसे पिसवा सकते हैं और रोटी बना के खा सकते हैं. That is what many Christians are doing. और इसी बात को बहुत से मसीही लोग कर रहे हैं. They have their life. उनके पास अपना जीवन है. They also have name Christian. और वो भी एक ईसाई हैं. What are they doing? लेकिन वो कर क्या रहे हैं? They are using their life and they are eating their own life. और वो अपने जीवन का उपयोग कर रहे हैं और अपने ही जीवन को खा रहे हैं. They love their life themselves so much that they eat themselves. You know, some people, I love you so much, I feel like eating you. और वो अपने जीवन से ही इतना प्रेम करते हैं, खुद से इतना प्रेम करते हैं कि खुद ही में समाये रहते हैं और खुद को खा लेते हैं. We love life. I love so much that you eat yourself up. कि आप जीवन से प्रेम करें, उतना प्रेम करें, इतना कि आप खुद को ही खा लें. What are you doing with your life? आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं? God is never impressed by outward expressions. परमेश्वर कभी भी बाहरी रूप से किए गए कार्यों से प्रसन्न नहीं होता. He said, उसने कहा, if you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो. You know, Jesus is never impressed when we say, I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord. How many times do we say when we pray, I love you, Lord, I love you, Lord? Jesus is never impressed. और यीशु मसीह इस बात से कभी भी प्रसन्न या प्रभावित नहीं होता कि आप कितनी बार अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में उससे कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ. He says, if you love me, obey my commandments. वो तो ये कहता है कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी बने रहे. That is the only way he will be convinced that you truly respect him, fear him and love him. और यही एक वो तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होगा और उसे ये विश्वास होगा कि हम उससे प्रेम करते हैं. Otherwise you are keeping your life to yourself. और अगर ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं. You are grinding yourself. आप खुद को पीस रहे हैं. And ultimately you end up eating yourself. और अंत में यही होगा कि आप खुद को खा लेंगे. No useful to anybody. और किसी के लिए भी कोई भी उपयोगी जीवन नहीं. This book gives us all the commandments of God. और ये जो वचन है परमेश्वर का, ये हमें परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को देता है. Show me one person who will ever confess that he lost everything by obeying God's command. और मुझे किसी एक व्यक्ति से आप मेरी मुलाकात करा दे जो इस बात की गवाही दे कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहने में उसने सारी बातों को खो दिया. In the second century, there lived a man by the name of Polycarp. और एक दूसरी सदी में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था पॉलीकार्प. He was a servant of God. और वो परमेश्वर का एक दास था. He was also a disciple of John, the disciple of Jesus. और वो यहुन्ना जो प्रभु यीशु का चेला था उसका चेला था. He was trained under John, the apostle. यहुन्ना प्रेरित के अंदर ही उसने अपनी शिक्षा को पाया. And after AD 100, और the first century, और पहली सदी के बाद, the second century began, दूसरी सदी शुरू हुई, John the apostle died, और जो यहोन्ना था वो उसकी मृत्यु हो गई. He was the last of the apostles to die. और वो अंतिम प्रेरित था जिसकी मृत्यु हुई. And then a new era started. और उसके बाद से एक नया समय शुरू हो गया. Polycarp was a disciple of the John the disciple. और जो यहुन्ना जो चेला था प्रभु यीशु मसीह का, उसका चेला था पॉलीकार्प. Later he became a bishop. और उसके बाद वो एक बड़े बिशप बने. And then persecution started. और उसके बाद सताव शुरू हो गया. And the
the believers tried their best to protect Polycarp. और जो विश्वासी थे उन्हें पूरी कोशिश करी कि पॉलीकार्प को बचा लिया जाए. Hiding him some places. और उन्हें अलग-अलग स्थानों में छुपाया. And protecting him. और उनकी रक्षा करी. But then he could not be hidden all the time. लेकिन हर समय उनको छुपाया नहीं जा सका. So he said, "You please don't worry about me." तो उसने अपने विश्वासियों से कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो. So actually he was caught. क्योंकि उसे पकड़ लिया गया. And they questioned him and given him enough opportunities to recant or return and confess that he will worship only Roman emperor. और जब उसे पकड़ा गया तब उससे पूछताछ की गई और उसे मौका दिया गया कि वो यीशु मसीह का तिरस्कार कर दे और जो केसर है उसकी आराधना को करे. Because he was a seed like the seed which fell on the good ground. और क्योंकि वो तो उस बीज के समान था जो अच्छी मिट्टी में गिरा था. And in that parable Jesus said that those seeds which fell on the good ground they started growing and producing many fruit, many seeds and it became multiplied. और यीशु ने कहा कि वो बीज जो मिट्टी पर गिरा वो मरा और उसके द्वारा कई ज्यादा बीज और फलदाई हुए और उसने कई और पेड़ों को जन्म दिया. He did not allow any thorn or any sun or anything to disturb him. और उसने किसी भी प्रकार की झाड़ी काटे या सूर्य की रोशनी को ऐसा नहीं होने दिया कि उसकी बढ़ने की क्षमता को रोक दे. And even after catching him, arresting him, और पॉलीकार्प को पकड़ने के बाद भी they gave him many opportunities. उन्होंने कई मौके उसे दिए टू recant कि वो वापस पलट जाए. But he refused. लेकिन उसने मना कर दिया. Because he was very old. क्योंकि वो तो पहले से ही बहुत वृद्ध था. He was 85 years old. वो 85 साल की उम्र थी जब पकड़ा गया. Old man, they had pity on him. और एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति जिस पर रोमियों के जो सैनिक थे ने तरस खाया. Then they had no option but to condemn him and judge him. लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था लेकिन उसके ऊपर दंड लगाया और उसका न्याय किया. So they decided to burn him on a pole in order to give him the maximum pain. और इसलिए उन्होंने ये नियुक्त किया कि उसे जिंदा जलाया जाएगा एक खंभे पे बांध करके ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा दर्द दिया जा सके. So the firewood was there ready and the pole was erected and he was tied onto that pole. तो एक खंभे को गाड़ा गया, उस खंभे पर पॉलीकार्प को बांध दिया गया और उसके चारों ओर लकड़ी को रख दिया गया. So that he would not run away. ताकि वो भाग ना सके. And before they lit the fire, और उससे पहले कि वो उस लकड़ी को आग लगाते, they gave him one last opportunity. एक आखिरी बार उन्होंने उससे पूछा या मौका दिया. Polycarp, why don't you recant? Why do you waste your life? You are old and live the rest of your days peacefully and die peacefully. तो उन्होंने उससे कहा क्यों नहीं तुम यीशु मसीह का तिरस्कार कर दो क्योंकि तुम पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके हो और अपने बचे हुए जीवन को शांति में जियो. Listen to what he said. लेकिन इस बात पर अपना ध्यान लगाए कि उसका उत्तर क्या था. He said. उसने कहा. In all these 85 years. इन पूरे 85 सालों में. My Lord has never done even one single harm to me. मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया. How can I deny him? तो अब इन 85 सालों की विश्वास योग्यता के बाद मैं कैसे उसका तिरस्कार करूं? So I will not deny the one who has only blessed me and who has never done even a single harm to me. और इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार नहीं करूंगा जिसने आज तक मेरे संग कुछ गलत नहीं किया लेकिन हर साल मुझे आशीषित किया. They lit the fire and the fire consumed him. और उन्होंने तब उस आग को लगा दिया और उसे जिंदा वहीं पर जला दिया. And as the flame began to rise up, और जैसे वो आग की लपटें ऊंची उठने लगी, they heard him praying. उन्होंने सुना उसे ये प्रार्थना करते हुए, My Lord, I commit my life into your hand. कि मेरे प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं. And not only during his life, he was a blessing to hundreds and thousands of people.
और ना केवल वो अपने जब वो जीवित था अपने जीवन के द्वारा हजारों विश्वासियों के लिए एक आशीष का कारण था. His life was lived for the glory of God. उसने तो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए जिया. And in death he glorified his God. और अपने मृत्यु में भी उसने प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा दिया. Did he die? क्या वो मरा? No. नहीं. His body was burned. उसका जो शरीर था वो तो जल गया. But before his body was burned, his soul has already gone to God. लेकिन उससे पहले कि उसकी देह जलती, उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास जा चुकी थी. Don't keep your life to yourself. आप अपने जीवन को खुद तक सीमित ना रखें. And don't grind your life. और अपने जीवन को पीसे ना. It is given to you for a purpose. इस जीवन आपको दिया गया है एक उद्देश्य के साथ. And the greatest purpose of your life is to glorify God. और आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें. The chief end of a man is to glorify God. That's what the great Saint Augustine said. और यही बात जो है सबसे बड़े संत अगस्तीन ने भी कही कि मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि वो अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे. And Apostle Paul understood it. और पौलुस प्रेरित भी इस बात को समझ गया. So the day Jesus appeared to him. और इसलिए जिस दिन यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुआ. He began his Christian journey. उसने अपने मसीही जीवन की यात्रा को शुरू किया. And after Jesus, और यीशु के बाद, there was no one who suffered such torture and persecution as Apostle Paul suffered. और यीशु के बाद ऐसा कोई दूसरा प्रेरित या व्यक्ति नहीं था जो ऐसे सताव से होकर के निकला जैसा सताव पौलुस को सामने आया. He was a persecutor of the church. वो तो खुद कलीसिया को सताव में लाता था. But the moment he realized that Jesus Christ died for him and now he is alive and he is risen from the dead. जिस क्षण वो इस बात को समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उसके लिए अपने जीवन को दिया और तीसरे दिन वो उस कब्र से जी उठा और आज भी जीवित है. And lying on the road. और जब वो उस दमास्कस जाने की उस यात्रा के दौरान उस सड़क पर पड़ा था. Where he was struck by the lightning brilliance of God's glory, the risen Lord Jesus's glory. जहाँ पर वो जो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु का जो महिमा का ज्योति था, उसके प्रभाव में वो नीचे गिर गया. He surrendered his life. तब उसी सड़क पर उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु को दे दिया. As a wheat, he fell on the ground. एक गेहूं के दाने की समान वो जमीन पर गिरा. And the seed went into the soil. और वो गेहूं का दाना उस अच्छी मिट्टी में गया. And he died. और वो मर गया. That's what he said. और इसी बात का अंगीकार भी उसने किया. In Galatians chapter 2 verse 20. गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन. I am crucified with Christ. कि मैं तो मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ा दिया गया. No longer I live. अब मैं नहीं जीता. I don't live now. अब मैं नहीं जीता. I am dead. और मैं तो मर चुका हूँ. But it is Christ who lives in me. लेकिन वो ये तो वो यीशु है जो मेरे अंदर जीवित है. Hallelujah. Hallelujah. With that he began his Christian journey. और इसी अंगीकार के साथ उसने अपनी मसीही जीवन की यात्रा को शुरू किया. He lived the rest of his life. और अपने पूरे जो बचे हुए जीवन को. About 35 years. लगभग 35 साल. He was journeying, traveling. वो यात्रा कर रहा था. Traveling. और यात्राओं पर यात्रा कर रहा Declaring था. Declaring this life-changing message of the gospel of Jesus Christ. और वो यात्रा हर जगह यात्रा कर करके इसी बात की घोषणा और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के संदेश की घोषणा कर रहा था जो जीवनों को बदलता है. And he only wanted to know one thing. और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जानना चाहता था. When he had the revelation, a vision of the risen Lord's glory. और जब उसके सामने वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन आया. His natural vision was blinded. उसका जो शारीरिक आंखें थी वो अंधी हो गई. But that very moment. लेकिन उसी क्षण. The eyes of his heart. Opened up. उसकी अंदरूनी आंखें आत्मिक आंखें खुल गई. And he saw the Lord. और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा. And he had only one thing to know. और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी जानने के so लिए. He said. उसने कहा. He asked this Jesus one question. उसने इस यीशु से सिर्फ एक प्रश्न पूछा. Lord. प्रभु. What do you want me to do? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? That is a servant.
और ये है एक दास का जवाब. A servant is not there to command or order the master. और एक दास का काम ये नहीं है कि वो अपने स्वामी को आदेश दे. He understood. लेकिन वो समझ गया. That the Lord Jesus Christ is the King, and He is the Lord, and anyone to be obeyed it is He, and I give myself as a born servant. और इसलिए वो इस बात को समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और इसलिए मैं खुद को एक बंधुए मजदूर के रूप में प्रभु को देता हूं. He is worthy of my obedience. और वो योग्य है कि मैं उसके प्रति आज्ञाकारी बना रहूं. He is worthy to receive the best that I have. और वो योग्य है कि जो मेरे पास सबसे उत्तम है उसे मैं दूं. So he said it is no longer I. इसलिए उसने कहा कि अब मैं नहीं. But it is Jesus. लेकिन ये तो यीशु है who is alive in me. जो मेरे अंदर जीवित है. He died. और वो मर गया उसी दिन. And for the next 35-36 years. और अगले 35 या 36 सालों तक. Out of that one seed. उस एक बीज से. God alone knows, and only eternity will show us how many seeds. Came out of that one life. सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि कितने बीज पैदा हुए. Because even today, through the apostle Paul's writing, people are still coming into the kingdom of God. क्योंकि आज के दिन भी पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई पत्री और उसके वचन के द्वारा हजारों लोग विश्वास में आ रहे हैं. It is 2000 years past. और 2000 साल से ज्यादा निकल चुका है. But even today, लेकिन आज के दिन भी the Saul of Tarsus who died, वो सॉल जो टार्सस नगर का था वो मरा, is still alive. वो आज भी जीवित है. And he is still speaking to us. और वो आज के दिन भी हमसे बात करता है. Through all his 2/3 of the New Testament is given by him. और जो नई नियम है उसका 2/3 भाग पौलुस ने लिखा. And through these letters, और इन पत्रियों के द्वारा, even today, आज के दिन how many thousands of people are coming into the kingdom of God. कितने ही लोग हजारों और लाखों की संख्या में प्रभु यीशु मसीह की ओर आ रहे हैं. That's what Jesus meant. और इसी बात को यीशु सिखाना चाहता था. If a wheat fall into the ground, जब वो गेहूं का दाना मिट्टी में गिरता है, buried in the grave, और उस कब्र में उसे गाड़ दिया जाता है. Grave means buried into the soil. ओ, कब्र का मतलब है मिट्टी में गाड़ना. That seed will die. वो बीज तो मर जाएगा. And unless that death happens, और जब तक वो मृत्यु नहीं आएगी, that seed will remain single. वो बीज एक बीज ही बना But रहेगा. Once it dies, लेकिन जैसे ही उसे मृत्यु आ जाएगी, it begins to come. There comes forth a new, fresh life. उस मरने के द्वारा एक नया जीवन पैदा हो जाएगा. And how many seeds will be produced? We don't know. और कितने बीज उस नए जीवन से पैदा होंगे हम नहीं जानते. Wherever he went, और जहां कहीं भी पौलुस प्रेरित गया, he planted churches. उसने एक कलीसिया का निर्माण किया. Hundreds and hundreds of churches. और हजारों की संख्या में उसने कलीसियाओं की स्थापना की. And even today, और आज के दिन भी, his message is going forth. उसका संदेश आगे की ओर बढ़ता जा रहा है. That is the meaning. और यही उस शिक्षा का अर्थ है. And I close by giving you the best example that I can give you. और मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं सबसे अच्छे उदाहरण को दे करके. Jesus Christ. यीशु मसीह. The one who lives in heaven. वो जो स्वर्ग में रहता था. In that perfect, most holy, glorious, beautiful place of heaven. वो एक ऐसा स्वर्ग जो सबसे सिद्ध, सबसे शांतिपूर्ण और सबसे महिमामय स्थान था. What made heaven heaven is the presence of Jesus Christ, the Son of God. और वो बात जिसने स्वर्ग को स्वर्ग बनाया, वो थी प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति. The Creator. वो जिसने सारी सृष्टि की रचना करी. Who made the universes? जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी. Hallelujah. The Almighty God, वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, who is called the Prince of Peace, और जिसे शांति का राजा कहा जाता है, the Lord of Glory, वो महिमा का परमेश्वर, the one who gave life to every living creature, वो जिसने सारे जीवित सृष्टि को जीवन दिया,
And he not only created, but he still maintains and sustains his creation. Na keval usne srishti ki rachna kari, lekin rachna karne ke baad unki raksha aur poshan aur palan bhi kiya. Who is called the Word of God. Jise kehte hain Parmeshwar ka anant vachan. And this Word became flesh. Aur ye vachan ban gaya ek deh ke roop mein aaya. Jesus Christ like a wheat. यीशु मसीह एक गेहूं के दाने की समान। He fell onto this earth in his incarnation। और वो अब एक बीज के समान स्वर्ग से इस पृथ्वी पर गिरा। He fell and then he went into the soil। और तब वो उस मिट्टी में गिरा। Because once he fell into the ground, he died। और जब जैसे ही वो उस मिट्टी पर गिरा, वो मर गया। And then into the grave. और तब उसके बाद वो उस कब्र में पहुंचा. Into the soil. उस मिट्टी में. And on the third day. लेकिन तीसरे दिन. Out of that death. उस मृत्यु में से. Suddenly. अचानक. A fresh mighty life sprang up. एक नया और सर्वशक्तिशाली जीवन पैदा हो गया. The immediate reference to that parable Jesus said about himself. और जो दृष्टांत या उदाहरण वहां पर उन्होंने दिया इस शिक्षा के द्वारा, वो यीशु मसीह खुद के बारे में बात कर रहा था. And after a few hours of saying this, he was arrested, and then you know what happened. He went to the cross. और ये शिक्षा देने के कुछ घंटों बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया, और आपको पता है कि उसके संग क्या-क्या हुआ. And he died. और उसके बाद उस क्रूस पर वो मरा. Then into the he descended from heaven. वो स्वर्ग से नीचे आया. To the earth. उस पृथ्वी पर. And then he ascended onto the cross. और तब इस मिट्टी से, इस पृथ्वी से, उस क्रूस के ऊपर उसे लटकाया गया. He came into this accursed earth. और एक ऐसा श्रापित सृष्टि में वो आया. By descending. उस अपने स्वर्ग से नीचे आने में. And then he ascended and gave himself to be hung on that accursed tree. और फिर उसने खुद को दे दिया कि एक उस श्रापित क्रूस के ऊपर उसे लटका दिया जाए. Because the Bible says everyone who hang on the tree, on the cross. Is cursed. क्योंकि वचन बताता है वो जो उस क्रूस पर लटकाया गया है वो श्रापित है. He became a curse for you and for me. वो एक श्राप बन गया आपके और मेरे लिए. To remove all the curses from your life. ताकि हर एक श्राप को जो आपके जीवन में है वो निकाल सके. He died. But on the third day. लेकिन तीसरे दिन. Out of that death. उस मृत्यु में से. A new, fresh, refreshing life sprang up. एक नया तरोताजा और सामर्थ्य जीवन फिर से निकल आया. Hallelujah. Hallelujah. And even while on the cross. और जब वो उस क्रूस पर भी था. He began his ministry of drawing people, souls to himself. उसने शुरू किया अपनी सेवकाई को कि वो और आत्माओं को अपनी ओर खींचे. Till today. और आज के दिन तक. How many multiple millions of souls have come into the kingdom of God from this world. और कितने ही लाखों और करोड़ों लोग इस संसार में से उसकी ओर खींचे चले आते हैं. Millions and millions and millions. और लाखों की गिनती में. Till today. आज के दिन तक. And even now. और आज भी. It is happening. अभी इस क्षण भी ये हो रहा है. Somewhere in the world. और किसी संसार के कोने में. People are being baptized. और लोगों को बपतिस्मा दिया जा रहा है. Hundreds and thousands. और हजारों की संख्या में वो बपतिस्मे ले रहे हैं. Somewhere in the world. और संसार के किसी कोने में. Every second. हर एक क्षण. Every minute. और हर एक मिनट. People are being born into the kingdom of God. पे लोग परमेश्वर के राज्य में नया जन्म पा रहे हैं. And it will continue till the end of time. और ये निरंतर बना रहेगा जब तक समय चलता रहेगा. So how many millions will be there in heaven? और कितने लाखों
उस स्वर्ग में होंगे. The seeds of Jesus. वो जो यीशु के बीज हैं. Hallelujah. Hallelujah. The seed of the woman, as God the Father said. और जैसे पिता परमेश्वर ने कहा कि वो स्त्री का एक बीज. Thank you. Why? How does it happen? It happened only through the death of Jesus. और ये सब कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ यीशु की मृत्यु के द्वारा. He died on the cross and completed our redemption. वो उस क्रूस पर मर गया और हमारे छुटकारे को पूरा किया. This is the message of the cross. और यही है वो क्रूस का संदेश. This is the unchanging gospel of Jesus Christ. और यही है वो कभी ना बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार. And this is the gospel. और यही है वो सुसमाचार. And the gospel is the power of God unto salvation for everyone who believes. और ये सुसमाचार उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं परमेश्वर का सामर्थ है कि वो उद्धार पा सके. Look at yourself. आप खुद की ओर देखें. You are sitting here. आप यहां पर बैठे हैं. Why should you come here? आपको यहां आने की क्या आवश्यकता है? Did I give you anything? क्या मैंने आपको कुछ दिया? Did I give you a million rupee? क्या मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए? Why? क्यों? Somebody gave a testimony here. I'm sorry, I missed that testimony. What was that testimony? She got healed. She had fits and she was healed. From 3 months continuously she had fits. She Oh. Who? Sister Deepa. Oh, you see. I knew you got healed the other day. Praise God. Thanks be to God. That's why she come. She knows Jesus. और इसीलिए वो आती हैं क्योंकि वो यीशु को जानती हैं. Another seed. एक और बीज. 16 next to another seed. और जो दूसरी बहन है वो There एक और बीज. So many seeds. और ये इतने जो आप सब यहाँ बैठे हैं ये एक बीज है. That Jesus produced. जिसको यीशु ने पैदा किया. Through His death. और अपने मरने के द्वारा उसने आपको पैदा किया. Through His death. और उसके मरने के द्वारा. By His death. और उसके मरने के द्वारा. By His brokenness. और उसके तोड़े जाने के द्वारा. Seeds are still coming forth. और वो बीज और बढ़ रहे हैं. Hallelujah. Hallelujah. New souls are added to His body. और नई आत्माएं हर दिन उसकी देह में जोड़ी From जा रही हैं. From every tribe and kindred. और हर एक जाति और गोत्र से. Amen. Amen. What an amazing miracle. और कितना ही अद्भुत चमत्कार है ये. That is what Jesus is saying. और इसी बात को यीशु भी बता रहा. Your life is not to be stored up. कि आपका जीवन इसलिए नहीं है कि आप उसे बचा के रखें या जमा करके रखें. Neither is your life is to be eaten up by yourself. और ये इसलिए भी नहीं है कि आप अपने जीवन को खुद तक सीमित रखें या उसे खुद ही खा लें. Allow your life to fall onto the soil. आप होने दे अपने जीवन को कि वो उस मिट्टी में एक बीज के समान गिर जाए. And let it go into the grave. और होने दे वो उस कब्र की ओर चला जाए. And there be exposed to the ocean of love of God. और होने दे वहां पर वो परमेश्वर के उस प्रेम के समुद्र का अनुभव करे. The sunshine of His love. और वो सूर्य की रोशनी जो उसके प्रेम के समान उसके मुख पर लगे. And the mighty outpouring of the rain of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा का जो बारिश है आपके जीवन में होने Let it fall on you. होने दे वो आपके जीवन पर आए. As you expose yourself to these heavenly elements. और जैसे आप खुद को इन स्वर्गीय तत्वों की ओर देते हैं. Your outward husk will be removed. आपकी बाहरी खाल को हटा दिया जाएगा. And your inward life seed will be exposed to the love of God and to the power of the Holy Spirit. और तब आपका अंदरूनी जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और उसके प्रेम का अनुभव करेगा. Amen. Amen. And a new life will spring out. और तब एक नया जीवन आपके द्वारा पैदा होगा.
You may have a job. हो सकता है आपके पास नौकरी हो. You may be a businessman. हो सकता है आप एक व्यवसाय करने वाले लोग हो. You may be a teacher or something. हो सकता है आप शिक्षक हो या कोई और नौकरी करते हो. But the first place, it is God who placed you there. और लेकिन पहला स्थान तो परमेश्वर का है जिसने आपको वहां पर स्थापित किया. For His purpose. जिसने अपने उद्देश्य के लिए आपको वहां पर रखा. For you to produce other seed. ताकि आप दूसरे बीजों को पैदा कर सके. Are you willing? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Let us all stand. आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. And there is no power here on earth. और पृथ्वी में ऐसा कोई भी शक्ति या सामर्थ्य नहीं. That can stop the new life from springing up when it is exposed to the right elements of this earth. कि वो जीवन को पैदा होने से रोक सके जब वो बीज सही तत्वों की ओर खुद को दे. And then Jesus said. और तब यीशु ने कहा. Anyone who hates his life. और वो कोई भी जो उसके जीवन से घृणा करता है shall save it. वो उसे बचा लेगा. But anyone who loves his life so much, लेकिन यदि कोई ऐसा है जो अपने जीवन से प्रेम रखता है will lose it. वो अपने जीवन को खो देगा. For Christ's sake, if you are willing to preserve your life for eternity. और यीशु के खातिर यदि आप अपने जीवन को अनंत काल तक बचाना चाहते हैं, preserve your soul. अपनी आत्मा को बचा ले. Don't worry about preserving your body. आप इस बारे में चिंता ना करें कि कैसे अपने शरीर को बचाएंगे. If you do that, अगर आप ऐसा करेंगे, in the resurrection. You will gain both. अगर आप ऐसा करेंगे तो जब पुनरुत्थान होगा तो ये दोनों ही आपके पास होंगे, आपकी देह और आत्मा. Your body and fleshly desires, everything you kill these things. You, for the sake of preserving your soul. Do anything that will protect your soul, even if your body has to be destroyed, let it be. But in the resurrection, you will both gain the body and also your soul. और अपनी आत्मा को बचाने के खातिर यदि आपको अपने शरीर का भी नाश करना पड़े तो कर दें, होने दें. आपकी सारी शारीरिक इच्छाएं, शारीरिक लालसाएं मर जाएं. और प्रभु यीशु मसीह जब आपका पुनरुत्थान करेगा तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये देह और ये आत्मा दोनों ही हमारे पास होंगी. आमेन.